नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का। केमिस्ट्री का थर्ड पेपर की हम बात करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का है, 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है। मैक्सिमम मार्क्स 34 नंबर रहने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। यूनिट फर्स्ट के अंदर पहले का पहला क्वेश्चन, स्थिर आयतन तथा स्थिर दाब में ऊष्मा धारिताओं को परिभाषित कीजिए और इसमें ऊष्मा गति के संबंध व्युत्पन्न कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, बी पार्ट में सिद्ध कीजिए कि समता में उत्क्रमणीय प्रसार में तंत्र अधिकतम कार्य करता है। ये 1.5 नंबर का है। सी पार्ट में है, 2 मोल नाइट्रोजन गैस को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 लीटर से 20 लीटर तक समतापीय प्रसारित करने में अधिकतम कार्य प्रकलित कीजिए। तो ये 1.5 नंबर का है। अथवा के अंदर दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि जूल थॉम्सन प्रयोग में एक स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम है। जूल थॉम्सन गुणांक के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। एक आदर्श गैस के लिए इस गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। बी में है, 298 केल्विन तापन केल्विन पर निम्न आंकड़ों की सहायता से OH बंद की बंद ऊर्जा परिकलित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। यूनिट सेकंड के अंदर 3 नंबर क्वेश्चन जो ए है, ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम लिखना होगा जिसके द्वारा पदार्थों को निरपेक्ष एंट्रोपी निर्धारण का वर्णन कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। बी पार्ट में भी समीकरण दे रखे, 1 मोल आदर्श गैस के लिए व्युत्पन्न करना होगा। सी पार्ट में अवशिष्ट एंट्रोपी की अवधारणा टिप्पणी लिखना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण व्युत्पन्न कीजिए और इसकी सार्थक विवेचना कीजिए। आप विक्रिया समायतनिक से आप क्या तात्पर्य है और व्यंजक उत्पन्न करना होगा। बी पार्ट में दे रखा है। यूनिट थर्ड के अंदर 5 नंबर क्वेश्चन, ए पार्ट पूछा है, जल तंत्र का प्रावस्था आरेख कीजिए और इसके विवेचन कीजिए। 3 नंबर का है। बी पार्ट में है, प्रावस्था आरोप की सहायता से निम्न को व्यक्त कीजिए। जल तंत्र के लिए मित स्थायी साम्य हो गया, एक वायुमंडल दाब पर साधारण बर्फ पिघल जाती है जबकि शुष्क बर्फ इस दाब पर ऊर्ध्वपातित हो जाती है। अथवा के अंदर दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन, संगणित तंत्र क्या है और लेड सिल्वर तंत्र का प्रावस्था आरेख कीजिए और इसकी विवेचन भी कीजिए। इस प्रावस्था आरेख के आधार पर लेड के विरजतीकरण को समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। इसके अंदर सर्वांगसों असर्वांगसों गणना के मध्य अंतर बताना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रबल विद्युत अवघटन की डीबाई हाकल सिद्धांत की विवेचन कीजिए। एसएमई तथा विद्युत कर्ण संचलन प्रभाव को इस बारे में समझाना होगा। डीबाई हाकल ओनसेगर समीकरण लिखना होगा, यह प्रयोग किस प्रकार सत्यापित की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन में आता है, विशेष चालकता तुल्यांक की चालकता तथा मोलर चालकता के बारे में समझाना होगा। विशेष चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है, इन पर तन्यता के प्रभाव के बारे में समझाना होगा। बी पार्ट में भी दोस्तों यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 2 नंबर का रहने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, 9 नंबर में ए और बी दो क्वेश्चन ऐसे पूछे, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्या है और साधारणतः उत्पन्न इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक प्रकार के लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखिए और विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। 4.5 का है। हाइड्रोजन अधिवोल्टता पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का है। अथवा के अंदर भी इसमें दे रखे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में, सांद्रता सेल क्या है और अभिगमन युग सांद्रता सेल के विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए यदि इलेक्ट्रोड धारण के प्रति उत्क्रमणीय हो। बी पार्ट में पूछा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 HCl विलयन जिसकी मध्य आयनिक सक्रियता क्रमशः 0.01 / 0.001 के मध्य उत्पन्न दरों संगम विभव परिकलित कीजिए और H+ आयन के अभिगमनांक का मान HCl में 0.83 है। पेपर कंप्लीट हो चुका, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।